कहते हैं अब सब जो जनाब समय स्टार्ट हो गया, समय के साथ साथ बहुत सारे प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गए हैं, जिनमें से एक मसला है बालों का। बाल गर्मियों में बहुत ज़्यादा धुलते हैं जिसकी वजह से बाल ड्राई हो जाते हैं, फट जाते हैं स्पेशली और डैमेज हो जाते हैं, और जिनके टिटी बाल होते हैं उनको तो एक्स्ट्रा केयर की समय में ज़रूरत होती है। तो आज मैंने सोचा एक ईजी सी रेमेडी आपको बता दूँ जो बहुत ही बेहतरीन है, आप घर में आप आसानी से बना सकती हैं, आसानी से कर सकती हैं। इसके आपके बाल शाइन करेंगे, हेल्थी होंगे, ग्रोथ करेगी बालों की। तो जल्दी से अपनी रेमेडी की तरफ चलते हैं, होप आपको पसंद आएगी। तो हमें इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, एक चम्मच लेनी है हमने हल्दी। हल्दी अब आपने हांडी वाली हल्दी नहीं लेनी है, ये हल्दी है अंबा हल्दी, आपको पंसार की दुकान से आसानी से मिल जाएगी। इसको पीस ले, ग्राइंड कर लें तो ये ऐसी हो जाएगी। दूसरी हांडी वाली हल्दी लेंगी तो आपके बालों की भी हांडी बन जाएगी, तो इसलिए वो हल्दी नहीं लेनी है। अच्छा जी, तो एक चम्मच लेना है कैस्टर ऑयल, एक चम्मच लेना है आपने अंडे का तेल, और एक अंडा ले लेना है, और ये बीटर, इसे हम बीट कर लेंगे। तो मैं जल्दी से सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ और आपको साथ साथ दिखा देती हूँ। एक चम्मच भर के लेना है कैस्टर ऑयल और एक चम्मच भर के अंडे का तेल। ये अंडे का तेल आपके बालों को जो गिरते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अभी मैं मिक्स करती हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने कर लिया सारा मिक्स और ये ऐसी जाग की तरह बन जाएगी। अब इसको लगाऊंगी मैं बालों में और 30 मिनट के लिए मैं बालों को छोड़ दूँगी। ऊपर चालू में ऊपर शापर चढ़ा लें या कोई कैप लगा लें 30 मिनट के लिए। ओके जी, अभी मैं ये बालों में लगाने लगी हूँ। बाल मैंने खोल लिए हैं। अगर आप बालों को ट्रिम कर लें, ट्रिम वाली मेरी वीडियो देखें, उस पर जैसे ट्रिम कहते हैं उसके बाद ये बालों में लगाए तो उसका असर और ज़्यादा होगा। ठीक है जी, तो जल्दी से मैं अपने बालों में ये लगा लेती हूँ। बालों की जड़ों में भी अच्छी तरह लगाना है। ओके जी, मैंने अपने सारे बालों में लगा दिए। अब जो बच जाएगी ना वो भी आप बालों में लगा दें अच्छी तरह। ये इतने सारे बच के अच्छी तरह बालों में लगा दूंगी। ठीक है जी, उसके बाद अब जी 30 मिनट के लिए आप बालों को भूल जाए और देखें मेरी हेयर टिम की वीडियो। उसके बाद 30 मिनट के बाद मिलते हैं बालों को वॉश करने। तो मैंने बाल अपने वॉश कर लिए हैं, तो ये देखें जी कितने सॉफ्ट, कितने नरम से बाल लग रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोटीन ट्रीटमेंट है आपके बालों के लिए। ये मास्क बहुत अच्छा है, स्पेशली समर में जब बाल फट जाते हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। ओके, थोड़ा ड्राई हो तो मैं आपको फिर शो करती हूँ। हाँ, मेरे बाल अभी ड्राई हो गए हैं काफ़ी हद तक, तो ये इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। मैं फील कर रही हूँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इससे बाल हो जाते हैं। वीडियो कैसी लगी है मुझे बताना है, आपने अपने कमेंट्स करके लाइक करके। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। अभी तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।